सोनू निगम एक ऐसी दिलकश आवाज जिन्हें बॉलीवुड में एक वक्त पर नंबर वन सिंगर माना जाता था, लेकिन अब इन्हीं सोनू निगम को बॉलीवुड में नहीं मिल रहा है काम। ये बात खुद सोनू ने शेयर की जूम के साथ। मैं कॉपीराइट एक्ट के तहत चलना चाहता हूँ और जो लोग इलीगल साइंस कराएंगे वो मैं करूँगा नहीं, तो वो उम्मीद जगाने मेरे गाने डब करवा रहे लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, फ्रेंकली मेरे काफ़ी गाने डब करा दिए उसने। दैट्स ओके, आई मीन आई थिंक इट्स देयर लॉस। अगर वो अगर मेरी आवाज़ को हटा के वो किसी और को डालेंगे किसी गाने में जस्ट बिकॉज मैं साइन नहीं कर रहा, तो ये उनका लॉस है। वेल, सोनू ने रॉयल्टी इशू को लेकर आवाज उठाई। सोनू ने कहा कि अगर उन्हें रॉयल्टी नहीं मिलेगी तो वो गाना नहीं गाएंगे, इसलिए लोग अब उनके गानों को दूसरों की आवाज में डब करवा रहे हैं। हार्टलेस में गाया था वो डब हो गया, फिर किक में गाए थे वो होने वाला हो चुका होगा पता नहीं, पर रहेगा नहीं मुझे पता, साजिद नटवर ने मुझे कहा था। और फिर मैं तेरा हीरो में मैंने गाना गाया था, एक वरुण धवन की फिल्म जो आई उसका म्यूजिक लॉन्च भी हुआ अभी, उसका भी गाना डब हो गया। सोनू इस बात से तो नाराज है ही, लेकिन इसके साथ साथ सोनू को इस बात का भी गुस्सा है कि आजकल के सिंगर्स अपने गानों में अब्यूसिव वर्ड्स डाल रहे हैं, स्पेशली हनी सिंह, व्हिच इज टोटली रॉन्ग। कुछ लोग अगर कोई कैची लिरिक्स के रूप में कुछ इस्तेमाल करते हैं, अभी एक गाना है जिसमें सरेआम बोला गया है आप तो बीप कर देना, पर उसमें आया है तो उसमें आया है दम है तो बंद करवा लो बोला गया है, तो वो जो वर्ड है आजकल फैमिली में पार्टियों में बोला जाता है, वो ज़माना ऐसा बदल चुका है कि लोग ऐसे बोल रहे हैं, एंड आई थिंक हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा हर चीज़। फॉर रोशनी दुबे, जूम, मुंबई।